और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर आरएसएस का समर्थन मिल गया है। बटेंगे तो कटेंगे बयान पर आरएसएस ने समर्थन किया है। एकता को आचरण में लाना जरूरी है, हिंदू को तोड़ने के लिए लोग कर रहे हैं काम, हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए जरूरी है। तो देखिए फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को आरएसएस का समर्थन मिल चुका है। स्लोगन कुर्ते कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। आप हम तो कहते हैं जब तक हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल के बारे में ऐसे आपने तो कहा तो हो सकता है, मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर सिर्फ भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे, तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के। दूसरी बात यह है कि हम ऐसे बनाए रखें तो समाज में इसके लिए केवल एक उपदेश होता तो अब तक हो जाता, प्रयत्न करना पड़ता, उसके लिए आचरण में लाना है। अच्छी बात है आज बहुत सारे धार्मिक और बाकी क्षेत्र के लोग इसको अनुभव से समझ रहे हैं और उसका स्वागत भी कर रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज की एकता ये संघ के जीवन प्रश्न है, हम इसका आग्रह पूर्वक कहेंगे और उसके लिए करेंगे। और हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए, हिंदू सबके लिए। फिलहाल इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, हिंदू को तोड़ने के लिए लोग कर रहे हैं काम और हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। सीएम योगी के बयान पर आरएसएस ने समर्थन दिया है। फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा जुड़ गए हैं। नीरज फिलहाल देखिए बटोगे तो कटोगे, योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था जो कि अब एक ट्रेंड बनता नजर आ रहा है। चाहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले देख ले बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए और अब आरएसएस का भी समर्थन मिल गया इस बयान को। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता कहीं से छुपी नहीं है, पूरे देश में उनकी डिमांड होती है और खास तौर पर जहां जहां चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा उनकी लोकप्रियता होती है, उनकी रैलियों की डिमांड होती है। और जो उनका नारा है कि कटेंगे तो बटेंगे, आप देखिए ये एकता का नारा निश्चित तौर पर है, जहां भी आप बटते हैं तो नुकसान होता है। कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, अगर वो बटता है तो उसको नुकसान होता है। और यही चीज योगी आदित्यनाथ के नारे में भी है,
महाराष्ट्र में इस नारे के पोस्टर लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 30 रैलियों की डिमांड आई है, तो ये समझा जा सकता है कि ये नारा अब न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर पूरे देश में फैल गया है और आरएसएस का भी आज इस नारे को समर्थन मिला है कि जो नारा उन्होंने दिया है वो बिल्कुल ठीक है और आरएसएस के समर्थन के बाद ये कहा जा सकता है कि ये नारा अब न केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हिंदुत्व के लोग हैं, उन्हें ये नारा काफी पसंद आ रहा है, काफी लोकप्रिय नारा है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटा सा ब्रेक।